सीएम साई की राज्यपाल से मुलाकात के बाद इसे लेकर सुगबुगाहट तेज है। दरअसल 22 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है। ऐसे में साई सरकार की कोशिश रहेगी कि उससे पहले नए मंत्री अपने विभागों में कामकाज संभाल लें तो बेहतर रहेगा। एक पद पहले ही खाली था और अब बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में दो पद खाली हो गए हैं। अब मंत्रिमंडल में कौन से दो चेहरों को मौका मिलेगा, ये सवाल सभी के मन में है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि खराब परफॉर्मेंस करने वाले एक दो मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दो की जगह तीन या चार नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद साय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात की, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। फिलहाल साय मंत्रिमंडल में दो पद खाली हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों रिक्त पदों पर एक साथ मंत्रियों की नियुक्ति होगी। बृजमोहन अग्रवाल की जगह मंत्री कौन बनेगा, सवाल ये भी है कि मंत्रियों के चयन में किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी। खैर, इन सवालों का जवाब तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही मिलेगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में सरगुजा और बिलासपुर संभाग का दबदबा है। सरगुजा से मुख्यमंत्री समेत चार लोग हैं तो बिलासपुर संभाग से एक उप मुख्यमंत्री समेत तीन मंत्री शामिल हैं। बस्तर और रायपुर संभाग से भी एक एक मंत्री को कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि साय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 11 लोग शामिल हैं, जिसमें दुर्ग संभाग के दो मंत्री हैं। वहीं जातीय समीकरण को देखें तो मुख्यमंत्री समेत तीन एसटी, एक एससी, एक सामान्य और 6 ओबीसी हैं। अगर जातीय समीकरण से मंत्रियों का चयन किया जाता है तो एक सामान्य और एक एससी बढ़ाया जा सकता है। इस समीकरण के हिसाब से रायपुर संभाग के किसी एक विधायक की लॉटरी लग सकती है, तो अब वो कौन होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।